लो जरा, उसके आप मत पकड़ो, नष्ट कराओ पहले और नष्ट कराओ मुझे मत कराओ, पकड़वा। हाँ, ये वाला विषय जो लेटेस्ट है, इसमें एक जगह हम लोग मीटिंग में थे हरियाणा बॉर्डर पे, तो वहां पर एक पानी की बोतल जो सामने आई, उसमें बिस्लरी जो एक बहुत पुराना ब्रांड है भारत का, तो उसकी स्पेलिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक्स थी, तो उसको ध्यान से देखा गया, तो उसमें FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए जो मस्ट है, परंतु वो उस पर नहीं था। और उसके क्रम में फिर उसको और वेरीफाई किया है, तो पता चला कुछ दुकानों पर इस प्रकार से, जो एक प्रकार से फेक ब्रांडिंग का विषय है, उसमें कुछ बोतलें हम आइडेंटिफाई करी, और फिर हमारी टीम ने कल ही काम किया और करीब 2600 बोतलें कल ही हम लोगों ने डिस्ट्रॉय भी कराई। ये जहां जहां कोई खबरें मिलती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो उन लोगों को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने जहां पे उनके ब्रांड्स में कोई इश्यूज आए तो हम लोगों को भी संपर्क करें, पर उनकी ओर से तो कोई अभी मैसेज नहीं आया था, परंतु हमारे ऑफिसर्स के अलर्टनेस से और विशेष रूप से मेरे द्वारा भी देखा गया, तो उसमें ये पाया गया। और उसके क्रम में कई जगह हम लोगों ने सत्यापन किया, इससे पूर्व सितंबर माह में भी हम लोगों ने एक बार एक जगह ये सत्सर हुआ पानी की बोतल, तो ये पाया गया कि वो स्पूरियस है, और उसके क्रम में पानी का सैंपल भी लिया गया, जो यहाँ पर एक छोटी सी यूनिट पानी बना रही थी सनौली गांव में बागपत में, उसको सील कर दिया गया और वो सील अभी लगी हुई है। उसके अलावा आवश्यकता ये है कि इसमें जो उपभोक्ता है वो भी जागरूक हो, कि जब वो पानी की बोतल खरीदते हैं तो देख लें कि उसकी स्पेलिंग वगैरह क्या है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के तो विज्ञापन वैसे भी फील्ड में होते हैं, सब लोग उससे परिचित होते हैं, तो मुझे अपने उपभोक्ताओं से भी आग्रह करना है कि जब वो पानी की बोतल खरीदें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, एक्सपायरी डेट देख लें, ये देख लें कि FSSAI का लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है, अन्यथा की दशा में अगर कोई खराब क्वालिटी का सामान होगा तो हम उन्हें पनिश जरूर करेंगे, लेकिन इससे उपभोक्ता को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, इसमें बात इंपॉर्टेंट है कि एक जो प्लांट पहले था वो हम लोगों ने पकड़ा था, और कल जो एक हमारा एक डीलर है उसको हम लोगों ने पकड़ा, डीलर ने भी बताया कि कुछ हरियाणा राज्य से भी कुछ बोतलें आती हैं, जो रैपर्स हैं उन बॉटल्स पे लग रहे हैं, जो फेक रैपर्स हैं बिस्लरी ब्रांड से, वो भी अंतरराज्यीय जगहों से भी कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें वेरीफाई किया जा रहा है। और हमारे जो खाद्य सुरक्षा के अधिकारी हैं, उन्होंने बिस्लरी की कंपनी के अधिकारियों को भी सूचित किया है, पहले भी सूचित किया था और पुनः सूचित किया है कि साहब आपके ब्रांड का मिसयूज हो रहा है, तो उनके स्तर से भी कुछ कार्रवाई अपेक्षित है। मुझे आशा है कि बिस्लरी कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भी इसका संज्ञान लेंगे और इसमें वाकई कार्रवाई करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, ये बार बार खबरें आ रही हैं, तो हम लोग अपने जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, हमारा एक विंग है, उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि आज भी अभियान चलाएं और जहां जहां ऐसा हो रहा है उसको रोकें। और उसके अलावा जो कंपनियां हैं उन लोगों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन कैसी भी आए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कप्तान साहब को संपर्क करें,